UAE's new visa system, all you need to know in this video. Assalamualaikum guys, welcome back to another video. दोस्तों आज की वीडियो के अंदर UAE के न्यू वीज़ा सिस्टम के हवाले से बात करने जा रहे हैं. जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस पहले भी डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं UAE के वीज़ा सिस्टम के अंदर और बहुत सारे रूल चेंजेस हो रहे हैं UAE वीज़ा प्रोसेस के अंदर और UAE के जो भी वीज़ाज आ रहे हैं, रेजिडेंस वीज़ा हो या जॉब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो, उसकी जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ. तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे UAE का जो न्यू वीज़ा सिस्टम है उसके हवाले से बात करने जा रहा हूँ. इसके लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारा रूल समझ आ जाए कि क्या क्या चेंजेस हो रही हैं. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो की डिटेल्स. प्राइवेट कंपनीज इन द UAE विल सून बी एबल टू ऑप्ट फॉर अ 60 दिरहम इंश्योरेंस स्कीम टू रिक्रूट वर्कर्स इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग 3000 दिरहम पर वर्कर एज बैंक गारंटी एज इन द प्रैक्टिस नाउ. तो दोस्तों UAE के अंदर ये रूल आ रहा है जो कि प्राइवेट कंपनीज़ के लिए है. उसके अंदर प्राइवेट कंपनीज़ जो होंगी वो एबल होंगी कि एक बंदे की जो इंश्योरेंस होती है उस स्कीम के अंदर 60 दिरहम वो पे करेंगी एक वर्कर का इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग 3000 दिरहम्स. तो 3000 दिरहम पे करने के जो पे करते थे वो इंश्योरेंस के तौर पर, वो अभी 60 दिरहम इंश्योरेंस स्कीम आ गई है. द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरटाइजेशन विल स्टार्ट इम्प्लीमेंट द लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम फ्रॉम मिड अक्टूबर. इट वॉज अनाउंसड ऑन वेनसडे. तो वेनसडे को अनाउंस किया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो लो कॉस्ट इंश्योरेंस सिस्टम मिड ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मिड के अंदर यह चीज इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी. तो दोस्तों ये बहुत ही गुड न्यूज़ है उन कंपनीज़ के लिए जो कंपनीज़ पहले 3000 दिरहम जो है वो पे किया करती थी इसके लिए इंश्योरेंस के लिए. अभी उनको 60 दिरहम स्कीम के तहत जो है वो पे करने पड़ेंगे एक बंदे के इंश्योरेंस के लिए. द मिनिस्ट्री सेड इट वुड आल्सो बिगिन डिसबर्सिंग द बैंक गारंटीज़ दैट इज़ वर्थ 14 बिलियन दिरहम व्हेन कंपनीज़ ऑप्ट फॉर द इंश्योरेंस स्कीम. द रीइंबर्समेंट विल नॉट अप्लाई टू कंपनीज दैट हैव कमिटेड सैलरी रिलेटेड वाइल 6 months before renewing work permit. तो ये जो रिम्बर्समेंट होगी वो उन कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगी जिन्होंने सैलरी रिलेटेड वायलेशंस की होंगी, जो अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, परमिट अप्लाई करेंगे 6 months के अंदर अंदर उन्होंने सैलरी रिलेटेड वायलेशंस अगर की हैं तो उन पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी. द स्कीम विच इज़ इन द लाइन विद द कैबिनेट डिसीशन दैट वॉज इशूड इन जून विल कवर 20,000 दिरहम पर वर्कर. तो एक वर्कर के हिसाब से 20,000 दिरहम जो है वो कवर करेगी इंश्योरेंस. इट कवर्स वर्कर्स एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, वोकेशन एंड ओवरटाइम अलाउंसेस, अनपेड वेज, रिटर्न टिकट एंड वर्क इंजरीज. तो ये 20,000 दिरहम तक का वर्कर का जो होगा वो कवर करेगी, जिसके अंदर आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट भी होगा. जब आप सर्विस ख़त्म करते हैं उसका बेनिफिट होगा, वैकेशन होगी, ओवरटाइम अलाउंस होगा, वैकेशन का अलाउंस होगा, उसके बाद अनपेड जो वेजेस होती हैं वो चीज़ इसमें कवर होगी, रिटर्न एयर टिकट होगा, एयर टिकट आपका इसमें शामिल होगा, एंड वर्क इंजरीज. जो वर्क इंजरीज होती हैं वर्क प्लेस के पे आपको इंजरीज होती हैं उसका सामना करना पड़ता है, वो चीज़ इसके अंदर कवर की जाएगी. ऑलमोस्ट 20,000 दिरहम जो वो ये इंश्योरेंस कवर करेगी एक वर्कर का. तो दोस्तों ये न्यूज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं खलीज टाइम के सोर्स से. इट इज़ एम्ड एट लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री. तो ये इनका मकसद यही है कि जो UAE के अंदर बिजनेस की कास्ट है उसको कम किया जाए, बिजनेस करने की कास्ट को कम किया जाए. नासर अल हमली, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमरटाइजेशन, सेट द न्यू स्कीम विल सिक्योर वर्कर्स राइट्स एंड सैलरीज. तो वो जो मिनिस्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स के वो कहते हैं कि ये स्कीम जो है वो जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स और सैलरी को सिक्योर करती है. द सिस्टम विल आल्सो रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन कंपनीज बाय लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. तो ये सिस्टम जो है वो फाइनेंशियल बर्डन जो कंपनीज पे होता है वो उस चीज़ को भी जो है वो कम करेगा बाय लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट की कास्ट को कम किया जा रहा है तो यह कंपनीज के लिए फाइनेंशियल बर्डन कम करेगा. द मिनिस्ट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द दुबई इंश्योरेंस कंपनी विच विल इशू द पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ कंपनी ऑफ इंश्योरेंस फर्म्स. तो जो मिनिस्ट्री है उन्होंने साइन किया है दुबई के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के साथ, विच विल इशू द पॉलिसीज. तो जो पॉलिसीज को इशू करेगी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस फर्म्स. तो जो जितने भी ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस फर्म्स हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली पॉलिसी को पब्लिश किया जाएगा, इशू किया जाएगा. तो दोस्तों ये एक न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया खलीज टाइम के रिसोर्स से. उम्मीद है आपको यह न्यूज अच्छी लगी होगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक दिस वीडियो.